फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक के लिए हमें आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और बस आज थोड़ा सा लेट उठे, कल तक वोटिंग में ना हम लोग बहुत ज्यादा सब लोग बिजी थे। जितना कोशिश हो सकता है हम लोग कर रहे थे। अब फैसला इंशाल्लाह होगा, जब फिनाले होगा वो आपको पता चलेगा। और ये कपड़े लेके जा रही हूँ नीचे अम्मी को सरप्राइज देने धोने के लिए, क्योंकि ऊपर अभी इसका कोई भी मेड नहीं है। यहाँ पे चल रहा है ये काम। इतने सारे कपड़े लेके तो आ रही हूँ फ्रेंड्स, पता नहीं कोई धुले गए। तुम क्या कर रही हो? तुम ही हमेशा अंगड़ाई क्यों लेती हो? जब भी मैं आके कैमरा खोलती हूँ हमेशा ना सलाम ना दो उठी ना एकदम कोई पेपर तो कैमरे के सामने अंगड़ाई। बेटी खाला यहाँ पे नमाज पढ़ रही है। सब इतना सब फैला हुआ क्यों है? ये तुम्हारे देखो, ये सब सिलने देना है, ये आपको धोना है। हाँ इतने ठीक है, धो देंगे। ऐसे तुम्हारे कपड़े रख रहे थे हम लचक के, ऐसे तो हमारी नस हो गई यहाँ की। वो हो जाती है, यहाँ पे दर्द हो रहा था। अभी नमाज पढ़ने जा रहा था, बैठ गए थोड़ी देर के लिए। अभी मत धुलना, ये रख दो, नहीं बनेगा तो उनको दे। नहीं नहीं हम धो देंगे सब, ये धोने वाले वहीं रहा धो। ये क्यों अब तक सो रहा है? अभी पेपर दे के आया है ना। रेहान उठो, कैसे वो पेपर, एग्जाम खत्म? तो अभी हम यहाँ पे फ्रेंड्स पियेंगे अपनी चाय। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि बन रही है हम सबकी फेवरेट कढ़ी। जो बन रही है कढ़ी, भजिए का आटा। लोग बोलते हैं पकौड़े, हम पकौड़े नहीं भजिए बोले, भजिया बोले। फ्रेंड्स मैंने आपसे एक बार और पूछा था भजिए और पकौड़े में क्या फर्क है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं समझ में आया कि भजिए और पकौड़े में क्या फर्क है। अभी डालेंगे ना, जैसे खोलने में डालेंगे, बंद करके नहीं डालेंगे, मुलायम होंगे। हां आज ये लाल नया नया कप कहां से आया? हम छुपाए रखे थे सब, टूट खराब कर देती है ना। जब कल जैसे मैंने कहा सालों को एक दे दो, आज मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है? छोटे वाले मीडियम, ऐसे कप में चाय पीने का मन करता है। कप दिन तो ना पता नहीं है कहाँगा। हम कटोरिया में न पी हूँ, मैं कप में पी हूँ, कटोरी में न पी हूँ। अब मैं को भी कप ला देंगे, ठीक है? थोड़ी सी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं भैया, इतने दिन से ये पार्सल आके रखे हो, ये तो आ जाए, लेकिन खोल लेंगे तो खराब तो नहीं हो जाएगा? कौन सी लाइट? सोडियम लाइट। अब सोडियम से क्या मतलब है? हीलियम लाइट। हीलियम नहीं, कौन सी होती है? नियॉन लाइट। हाँ वो हीलियम तो गुब्बारे में। खराब तो नहीं हो जाएगी फिर रमजान? नहीं वो नहीं खराब होगी, पैक करके रख देंगे ना, उसको दिखा दो पहले। जिसको मंगाना है वो पहले से मंगा। ऐसे खोल लो कि वो खराब ना हो। लाओ मैं खोल दूँ, देखो। क्यों, आपको क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती? बड़ी मुश्किल लगी खोलने। तेरे शक्ल में साफ झूठ दिख रहा है। नहीं मैंने खोला। ये चाकू है कि तमाशा है? इससे ज्यादा तुम लोग की जबान चलती है। बस 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 अब मैं बोलूंगी मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, रमजान करीम, रमजान की तैयारी होने लगी है माशाल्लाह फ्रेंड्स। और लाइट्स के बिना कैसे कोई खुशी का मौका होगा। ये आया हमें हैंडमेड गिफ्टिंग की तरफ से। और आपको भी ऐसा कुछ अपना नाम लिखवाना हो रमजान के लिए, दिवाली के लिए, जो भी फेस्टिवल के लिए आपका आने वाला हो। आप दिवाली तो अभी गई है ना, कोई बात नहीं, जो भी फेस्टिवल के लिए, अपने लिए, बर्थडे के लिए आपको बनवाना है तो आप इसे बनवा सकते हैं। अब हम आपको ये जला के दिखाते हैं, ठीक है? ये देखिए, लाइट बंद करें। अभी हम इसे पन्नी से नहीं निकाल रहे हैं, धूल मिट्टी में खराब हो जाएगी। थैंक यू सो मच आंचल हैंडमेड गिफ्टिंग। अब आपको बताना है कि हम ये लाइट कहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि आप हमारे ब्लॉग्स ध्यान से देखते हैं कि नहीं। पिछले कुछ ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम ये लाइट कहाँ यूज करेंगे, अपने घर के किस कोने पे। ये वाला हैम्पर आया है बुशरा की तरफ से। ये वाला हैम्पर हम अभी थोड़ी देर बाद आके खोलते। कैटू फ्रेंड्स, अभी मैं जल्दी से आती हूँ शार लेके, उसके बाद आपको दूंगी आज मैं अपना बेडरूम टूर जो अभी हमने रेडी किया है। शार लेने के लिए मैं यूज करूंगी मामा अर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। आप सोचोगे कि मैं ये वाला सोप क्यों यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो रेगुलर सोप्स होते हैं वो चेहरा हमारा साफ करते हैं, बॉडी साफ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी का हमारे फेस का जो नेचुरल ऑयल है ना उसे भी निकाल देते हैं। उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है। तो अभी हम अपने स्किन को टेस्ट करेंगे मॉइस्चर मीटर से। इसे हम ऑन करके अपने स्किन पे लगाएंगे और ये देखिए रेड लाइट आई है, मतलब मेरी स्किन जो है वो काफी ज्यादा ड्राई है। अभी मेरी स्किन का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम है, जो कि ज्यादा होना चाहिए। जल्दी जल्दी में हम लोग लोशन लगाना भूल जाते हैं नहाने के बाद, इसीलिए ये सोप निकाल के सॉल्यूशन निकाला है। ये सोप हमारे स्किन को डीप क्लीन करेगा, मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स देगा एक लोशन के, और इसमें विटामिन सी भी है जो हमारे स्किन को इल्यूमिनेट करेगा और बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी देगा। और ये मेड सेफ सर्टिफाइड भी है। इसमें झाग भी देखिए बहुत ही अच्छा होता है, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा नेचुरल, और ये सोप डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो आ चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं शार लेके, अब हम फिर से अपना स्किन टेस्ट करेंगे मॉइस्चर मीटर से।
अभी देखिए अभी ये ग्रीन आ रहा है, मतलब मॉइस्चर जो रेंज है वो हाई हो गया है। मामा अर्थ की विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप यूज करने से फ्रेंड्स मेरी स्किन अच्छे से डीप क्लीन भी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। जो लोग जल्दी जल्दी में रहते हैं, नहाने के बाद लोशन लगाने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए ये सोप एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये सोप भी है और लोशन भी। और ये सोप्स में एक और वेरियंट आता है उपटन वाला, जिसमें नीम के बेनिफिट्स भी है। फ्रेंड्स मामा अर्थ के प्रोडक्ट के साथ साथ उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपको ऑर्डर वो एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामाअर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। अब मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट नायका मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप से ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट या ऐप पे जाके लेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि है SAVA2024, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। हेलो प्रोजेक्टिव फ्रेंड, हमारे घर में बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने जा रहा है जिसको आज होस्ट करेंगी यूट्यूबर सबा इब्राहिम। प्लीज पुट अप बिग हैंड टुगेदर, वेलकम ऑन स्टेज सबा इब्राहिम। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा के मिलता हूँ आपसे। अभी बेडरूम टूर देना है तो भैया बेडशीट तो अभी ये नॉर्मल वाली पड़ी थी, अभी अच्छी वाली जो हमारे सेट के हिसाब से मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छी लगेगी। आप बताइए लाइट अच्छी लगेगी या डार्क। घर से फ्री होके हम लोग पास में आए हैं ओबेरॉय मॉल, क्योंकि हमें कुछ कुछ चीजें लेनी थी। वहाँ पे हम लोग काफी लोगों से भी मिले और हमें सरप्राइज भी मिल गया। अम्मी ने धर्म दादा को देखा। सर सर शॉपिंग कर लिया हूँ मैं पूरे बच्चे के स्ट्रोलर में सामान। अरे वाह कितना अच्छा सरप्राइज मिला। भाभी रोहान आंटी धर्म दादा, अम्मी ने धर्म दादा को पहचान लिया था। अम्मी की आंखें चील की इसने कहा है, सनी बोल रहा है अम्मी की आंखें चील की तरह है, मैं नहीं पहचान पाई। तो फ्रेंड अभी यहाँ से जो हमको सामान लिया था वो हमने ले लिया है, अब खाएंगे खाना क्योंकि लगी है भूख बहुत तेज। रिहान के आज एग्जाम खत्म हुआ था, जहाँ रिहान बोलेगा वहाँ पे खा लेंगे। बोल दिया कहाँ जाना किधर सौरभ भाई, वो वर्ली में कहाँ पे वो टॉप फ्लोर पे वो कहाँ पे वो वाला होटल हमने देखा है भैया, कोई नई अतरंगी जगह बता रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे आने देंगे नहीं आने देंगे, कॉल करके पहले पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बड़ी खतरनाक जगह जा रहे हैं ये भी पता है। एक ही जगह जा जा के फ्रेंड मजा नहीं आता, पता नहीं लेकिन कैसा हुआ खाना ठीक ठाक मिला, लेकिन ये जगह ढूंढी किसने है। अगर ये जगह खराब हुई तुम दोनों की खैर नहीं, ये बात ध्यान रखना। खाने के लिए ऐसा ना कुछ वहाँ पे सांप भी चुकाने को मिल जाए, अजीब अजीब से नाम है, अंग्रेजी वाला नाम अंग्रेजी वाला खाना मिल जाए फिर। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं होटल, तीसवा फ्लोर है तीसवा, वो बोला शूज के बिना नहीं परमिशन ऊपर वहाँ जाने के लिए भाई, यहाँ तक वापस चलना है। यहाँ पर उन्होंने कहा खाना भी नहीं है, ऊपर बार है और बिना शूज के आपको वहाँ अलाउड ही नहीं है। इन लोग यहाँ आ तो गए लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं खाएं कि ना खाएं। 33 फ्लोर में है ऊपर, पर हम ये मर रहे हैं 33 फ्लोर के जिसने जा रही है। एक बार हाँ एक बार देख ले, एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, अगर हम लोग को वहाँ बैठने लायक होगा तो बैठेंगे वरना फिर वापस। ठीक है नीचे वाले रेस्टोरेंट में, हाँ उसी में खा लेंगे। इत्तेफाक ऐसा है कि आज मैं शूज पहन के वरना मैं चप्पल में ही आता हूँ, बाहर हवाई चप्पल नहीं पहन के आ सकते, चाहे तुम कोई भी हो। बंद तो है ऊपर से ये, तो फिर बन गए ना वो, एक स्टाफ को नहीं पता था। भाई 33 फ्लोर में भाई ये लाए आपका रेहान, बस हम लोग देख कर आ जाएंगे। कान बंद हो रहा है बस, आज अगर आप यहाँ पे आज चली गई अच्छे से लौट के आ गए तो आप प्लेन में ही बैठ बस आ गया। भाई जा रहे हैं ऊपर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सभी और रेहान ऊपर गए देखने के, वहाँ पे हम लोग के जाने लायक है भी या नहीं, कैसा लग रहा है अम्मी हर चीज सीखो। A few moments later. अच्छा जा सकते हैं देखने की। मैं आपको बुला रहा हूँ ऊपर ही देखो। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर जैसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि आप 33rd फ्लोर में थी। देखा नहीं, नहीं देखा, बस व्यू के लिए गया था, व्यू बहुत अच्छा था। हम भी रियाज से गुस्सा हो रही है कि ऐसी जगह क्यों, लेकिन ठीक है ना बच्चे ना नई नई चीजें बताते हैं तो अच्छा लगता है, सिर्फ हम लोग व्यू के लिए गए थे।
कान बंद हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें जो चाहिए था हमने व्यू देख लिया कि भैया मुंबई में ऐसा कोई ऊपर 33rd फ्लोर पे भी रेस्टोरेंट है। भले हमारे काम का नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन देख तो रही है। इंशाल्लाह बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जाएंगे, इंशाल्लाह स्काई डाइविंग भी करेंगे। अम्मी बोल रहे हवाई जहाज से कूदूंगा वाला झूला, अम्मी करेगा ये बोल रहे दुबई जब जाएगा तो। अरे अभी तो छोटे हैं, अभी तो इल्लीगल है। चुप रहो सार लोग, बहुत अब क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग कूदते हैं अम्मी। तुम पागल हो रही हो बेटा, ये जमीन है, अम्मी जमीन से जुड़े हुए हैं। रेहान आवा तुमसे बहुत गुस्से में, भी वॉशरूम में गई थी, बहुत डांट रही थी, बोल रही ऐसी जगह क्यों लेके आया, ऊपर फंस जाते तो क्या होता। नहीं आना चाहिए, सही बात है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इतना बड़ा होटल बनाया है, तो कैसे हो सकता है। जगह भी जिनके जो आते उन्हीं के लिए बनाते हैं इंसान, एक इंसान के अलग अलग जगह बनाई जाती है। मतलब रखते ही नहीं है तो कह रहा है मैं अकेले में कभी आऊंगा। क्या कुछ भी बोल रहे हो, पैसे अकेले में कैसे पापड़ नहीं बनता है इसको करते हैं। क्या बात कर रहे हो बच्चा। फ्रेंड्स लोग कैसे इससे उठा लेते हैं चॉपस्टिक से, ये मुझे तो बनी नहीं रहा। रियान गूगल कर रहा है हाउ टू यूज चॉपस्टिक्स। जल्दी चला 33 फ्लोर पे ऊपर। हाँ। हाँ। सौरभ के जूता अलग टाइप पूरा, जो जूते पहन के आएगा वही अंदर घुसेगा, चप्पल हाँ। खुली पहन के नहीं जा सकते लड़कों को। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही थी। परी रहा बहुत बेचे को लगा दे फोन का थी, नहीं पता चल रहा था मैं बहुत देर हो गई। अम्मी आज सबको अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि हम जो रूफ टॉप वहाँ पे चले गए थे ना AER, उसका एक्सपीरियंस बता रही है कि इतनी ऊपर हवा में चले गए थे। और ऐसी इंग्लिश बोल रहे थे, थोड़ी बहुत यहाँ आम लोग बोलते हैं, सीखी इंग्लिश बोलते हैं, सीखी हुई वो मतलब कहीं से पढ़ के आती है तो लगे की मुँह चला रही है और पता नहीं बोल क्या रही है। यहाँ वाले कैसे बोलते हैं। अरे यहाँ वाले कुछ बीच बीच में थोड़ा समझ में आ जाते कि का शब्द लगा रही है, गाइस बोल दिए वो तो भाई कुछ पता नहीं बोल का रही है। तुम तो दो बच्चे छोटे छोटे मिलने आए, ले गई यही बिल्डिंग के हैं, कल मिल। The next day. तो फ्रेंड यहाँ पे बन रहा है, रेडी हो रहा है मेरे लिए नाश्ता। कहाँ गया था डांस क्लास, अगली बार झलक में तू ही जाएगा। हाँ तो और क्या, जब डांस कर रहा है तो एक बार एज क्रॉस हो जाए बस। इतनी सारी खा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं 2 मिनट के लिए बाहर क्योंकि मक्स बिल्कुल छोटे वाले घर पे खत्म हो चुके हैं, वो लेके आते हैं उसके बाद आके देते हैं रूम टूर। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वो नोज का मोटा वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने एकदम पतला सा पहन लिया कि अब ये दिख ही नहीं रहा है। हम मक्स लेने आते हैं डन। फ्रेंड अभी मैं आ गया हूँ बाल बाल कटवा के, हमको देना है अपने बेडरूम का टूर, तो अभी हम इसको रेडी करते हैं। ये हम ले गए हैं लैंप बाहर से बेडरूम में लगाने के लिए, बल्ब हमने लगा दिया गलती से, पहले ये जाएगा फिर बल्ब लगेगा। एक हो गया रेडी फ्रेंड, ये कर लिया रेडी, इसको लगाते हैं फिर दिखाते हैं। खोलो आ जाए। तो हम आपको टूर देते हैं फ्रेंड्स, अभी बिना लाइट के इसलिए ऐसा दिख रहा है, फिर लाइट के बाद भी दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं साइड में हमें ये स्पेस मिल रही थी तो यहाँ पे हमने लगाया है मिरर। ये स्पेस फ्रेंड्स हमें खाली मिल गई थी तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर आ गया है। और ये चीज मैंने कुछ न्यू कराई थी, मेरा एकदम दिमाग हुआ कि जब हम कुछ भी लाइट से डिजाइन बनवा सकते हैं तो ऐसा कुछ लिखवा लेते हैं, सनी ने भी सजेस्ट किया था। ये तो अभी काफी दिनों से आ रहा था लेकिन ये मुझे थोड़ा न्यू लग रहा था तो ये करा लिया। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तो यहाँ पे एक फुल जगह मिल गई है आउटफिट देखने के लिए, अभी हम लाइट जला देते हैं। और यहाँ पे बन गया है हमारा बड़ा सा कवर्ड जो कि पहले बहुत छोटा था, तो हमने चेंजेस ये कराया है कि वही कवर्ड को थोड़ा सा एक्सटेंड करा लिया है, इसका माइका चेंज करा लिया है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा लुक का आ गया है। हमें न्यूट्रल शेड्स में जाना था इसलिए हमने ये बेज टाइप का कलर चूज किया था, और पहले ये खुलने वाला था, अगर खुलने वाला होता तो स्पेस नहीं निकलता, फिर ये खुल नहीं पाता, यहाँ की जगह चली जाती, तो हमने इसको स्लाइडिंग वाला बनवाया है। और यहाँ पे भैया सनी ने तो अपना सब कुछ सेट भी करा लिया है जैसे उसको चाहिए था। यहाँ पे मेरा सब कुछ सेट हो गया, ये वाला हिस्सा मेरा है, 1 2 3 नहीं नीचे वाला तुम्हारा है। हाँ वो भी एक्स्ट्रा चीजों के लिए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे में बहुत ज्यादा स्पेस निकल आई है ना। अभी देखो ना, अभी मेरी शर्ट बिल्कुल प्रेस व्रेस करके टंगी, बस आओ नहाओ पहनो चल दो। और ये भी थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले छोटा था, इसकी भी लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई है। ये रहा हमारा बेड वाला पोर्शन, बेड भी हमारा पुराना ही है फ्रेंड्स, सिर्फ हमने माइका चेंज कराया है, व्हाइट वाला ही था। और ये सिंपल सा बेड बैग बनवाया है, ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं की है, ये नीचे से ऊपर तक हमने सेम कराया। इसकी लाइट तो जला, मैं लाइट तो लाइन नहीं।
जल गया ज्यादा कुछ। अभी स्टार्टिंग में एटलीस्ट कलर्स नहीं चाहिए थे, थोड़ा सा ऐसा बेसिक चाहिए था, तो हमने बेडशीट भी उसी कलर की ही डाली है, सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट के लिए ये डाला है। ये ज्यादा खतरनाक कलर हो गया, लाल लाल लगा सुखा नहीं, किसमें वो नहीं लगा वो सितारा छा, मतलब वो तो यहाँ छुप जाते हैं। वो भी लाऊंगी कभी नेक्स्ट टाइम। फ्रेंड्स आप बताना कॉमेंट सेक्शन में मेरा फूल वाला तकिया कैसा लगा। और ये साइड वाला सेक्शन उसी तरह है, सिर्फ वो ग्रीन कलर का ये था, तो इसका कवर चेंज कराया है जिसमें हम ये बैठते हैं गद्दी में। और कर्टन फ्रेंड्स मुझे इस बार थोड़े डिजाइनर चाहिए थे, आपने हमेशा मेरे घर में देखे होंगे कि सिंपल सिंगल वाले लगे होते हैं, इस बार हमने शेयर कर्टन भी लगवाए हैं और ये थोड़ा सा लेस वेस भी लगवाई है। और ये सभा का सबसे सस्ता वाला आइटम, ये 500 रुपए का एक लैंप है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक सा लग रहा है। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे लैंप चाहिए थे लेकिन वो काफी महंगे आ रहे थे, लेकिन मुझे ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, घर वाले भी आ गए तो उनको भी साथ साथ दिखा रहे हैं। आ जाओ भैया, ये क्या कपड़े लेके आए हो? धुल के ना। दरवाजे भी खत्म कर दिए वो वाले? नहीं, दरवाजे वही है। कुछ करवाया? नहीं, दरवाजे तो वही कलर है। अब नीचे नहीं आओगी तो कैसे लग रहा है? इतना अच्छा बन गया तुम नीचे नहीं आओगे। वो खुद अपने आप उठेंगे। नहीं अल्लाह, सनी की तो पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई, पूरा बदल गया। लेकिन एक बात है, हाँ। इस रूम में ना किसी का इंटीरियर है कोई दिमाग, ये सारा दिमाग उसी का है, हाँ। क्योंकि हमारा तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो कलर से लेके और पर्दा पंखा लाइट जो भी है सब कुछ दिमाग उसी का है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू सवा इब्राहिम। और हमने ये टीवी उस रूम से निकाल के यहाँ पे यहाँ लगवा दी, ये टीवी है। पहले नहीं थी ना? नहीं नहीं। और अभी ये जो मेन पार्ट है हमारे रूम का पर्दा वाला, ये सब ये देखो आगे आप लोग कैसा लग रहा है। ये कर्टन देर से बने लेकिन अच्छे लग रहे हैं मुझे, अच्छे लग रहा है बहुत, पूरे मैचिंग, पूरी हाँ। मैचिंग करी है, अच्छे लग रहा है बहुत, कोई चीज खराब नहीं है, अच्छा लग रहा है। इधर भी लगा है ऊपर हाँ। का फ्रेंड्स हमने ये लाइट्स लगवाई है, स्पॉट्स लाइट्स और बड़ी वाली लाइट्स, और ये गोल्डन वाला पंखा जिसकी हम बात कर रहे थे ये ऐसे जलता है। अब लगता है कि हाँ कोई बेडरूम है, हाँ। नींद भी आती है। नीचे आएगा ना लेकिन हाँ, अब नीचे नहीं आओगे। लेकिन एक चीज तो है फ्रेंड्स, ये समझिए बेडरूम है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही, क्योंकि इंसान जब आराम से सोए तो उसको सुकून मिले। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेडरूम बना है कि जहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा सा बेड है, सामने आपको टीवी है, कम लाइट करनी है तो ये जला लो, यहाँ बैठना है तो ये कर लो, अब सही बना। सबसे अच्छी बात ये कि इस रूम में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, पुरानी चीजों को हमने बस सही करवा लिया। डिजाइन बनवाई किसी, यहाँ पे खुफिया तिजोरी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अब तो सब पता चल गया। तो यहाँ पे कोई चीज रखनी है तो बस यहाँ रख दो, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बेडरूम बनाने का सबसे मेन काम, सबसे अच्छी चीज की यहाँ पे वॉशरूम भी है, तो बस ये हाँ ये खुल जाते हैं। खोल बाद में दिखाएंगे, जब वो सजाएंगे फिर दिखाएंगे। कैसा लग रहा है? पूरा बदल गया ना हवा। वो कहाँ लिखाया तुमने जो लिखाया था? ये इधर देखो। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मैंने कहाँ से देखा? नाम लिखवाया है पूरा, पंखे को भी देखो, वो शूर है फ्रेंड्स, वो पूरा बदल गया। अच्छा है ना, बेडरूम वाला फील आ रहा है, पूरा आ रहा है। पहले हमारा कबाड़ वाला नहीं था। हाँ ये उठी बहुत अच्छी है, बड़ी तो जैसे नहीं। हाँ ये देखो ना, इससे कितना अच्छा लुक आता है। अरे वाह, ऐसी होनी चाहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहे। रूम अच्छा लगा हो तो सभा को बता देना, बहुत अच्छा। तो फिर कहते सभा के जहाँ में सबका स्वागत है, सभा के जहाँ में सबका स्वागत, और सब्सक्राइब भी करें। हाँ बोलो, सब्सक्राइब कर दें सब। हाँ हाँ बोलो, हाँ चलो अल्लाह हाफिज़ कर लो। अल्लाह हाफिज़।